नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास टेंथ के मैथ के एक्सरसाइज 4.3 के उदाहरण 15 है और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक मोटर बोट है जिसका स्थिर जल में जो है कितना चाल है, तो 18 किलोमीटर पर आवर है। अब इसके बाद आगे देखिए 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटा अधिक लेती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब ये नाव जो है इस धारा के प्रतिकूल आता है, मतलब इस धारा के विपरीत दिशा में जब तैरता है, तब जो है 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगता है इसको जो है हम T1 मानते हैं। इसी तरह से जो है जब ये नाव जो है इस नदी के धारा के अनुकूल, मतलब उसके दिशा में, धारा के दिशा में जब ये तैरता है, तब जो है 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है, तो T2 लगता है। अब यहाँ देखिए अगर हम धारा की चाल जो है x मान लेते हैं, धारा की चाल बराबर x, तो नाव की चाल क्या होगा। तो यहाँ देखिए नाव का चाल जो है स्थिर जल में कितना है, तो 18 किलोमीटर पर आवर है और ये धारा के जो है विपरीत दिशा में आ रहा है, तब जो है इस नदी में इस नाव का चाल कितना होगा, तो 18 - x किलोमीटर पर आवर। अब इस बार देखिए जब ये नाव जो है धारा की दिशा में तैरता है तब जो है नाव का चाल क्या होता है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो 18 + x किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखिए जब ये धारा के विपरीत जाता है तो इसका चाल में जो है कमी आता है, कितना, तो x, जितना नदी का चाल होगा इस बोट के चाल से घट जाएगा। इसी तरह से जो है जब ये नदी की दिशा में तैरेगा तब जो है इसका चाल बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, तो जितना उसका चाल होगा उसमें जो है नदी का चाल जोड़ देंगे, यानी कि 18 + x किलोमीटर बराबर। अब यहाँ देखिए T1 बराबर क्या होगा, तो 24 - 18 - x घंटा। इसी तरह से जो है T2 बराबर क्या होगा, तो 24 - 18 + x घंटा। यहाँ देखिए जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि किसमें ज़्यादा समय लगता है, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें जो है ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि 24 - 18 - x है और इसमें जो है कम समय लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 - 18 + x। अब देखिए लास्ट में क्या बोला जा रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं हल। यहां पर जो माने हैं धारा की चाल x, इसको जो है यहां पर लिख लेते हैं। तो माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। अब इस पर देखिए धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय क्या होगा, तो दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, तो 24 किलोमीटर, और चाल कितना है, तो 18 - x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 18 - x किलोमीटर पर आवर। दूरी कितना है, तो 24 किलोमीटर, यहाँ से किलोमीटर कट गया तो क्या बचेगा, 24 - 18 - x घंटा, ये घंटा जो है ऊपर जाएगा। इसी तरह से जो है यहाँ देखिए इसी प्रकार धारा के अनुकूल मतलब क्या, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय क्या होगा, तो दूरी बटा चाल। यहाँ देखिए धारा के अनुकूल जो है कितना दूरी तय किया है, तो 24 किलोमीटर बटा धारा का अनुकूल जो है नाव की चाल कितना है, तो 18 + x किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो यहाँ पर क्या होगा, 24 - 18 + x घंटा, ये घंटा जो है ऊपर आ जाएगा। अब चलिए प्रश्नानुसार देखिए कि जब ये नाव जो है धारा के प्रतिकूल जाता है और 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और ये नाव फिर जो है क्या करता है, तो धारा के अनुकूल जाता है और सेम दूरी तय करता है, मतलब 24 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ प्रश्न अनुसार कि T1 जो है T2 से कितना है, तो एक घंटा अधिक है। यहाँ देखिए T1 जो है एक घंटा अधिक लेता है, किससे, तो T2 से। तो यहाँ पर T1 का मान कितना निकाला है, तो 24 - 18 - x। T1 मतलब क्या, तो धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, ये क्या हुआ T1 और ये क्या हुआ T2। तो T1 जो है कितना निकाले हैं, तो 24 - 18 - x
24 बट्टा 18 माइनस एक्स बराबर टी टू कितना निकाले हैं, तो 24 बट्टा 18 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ देखिए इसको जो है इधर लाते हैं तो क्या होगा, 24 बट्टा 18 माइनस एक्स माइनस 24 बट्टा 18 प्लस एक्स बराबर 1। अब यहाँ देखिए कि ये जो है किसके जैसा है, तो भिन्न घटों के जैसा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका और इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो है क्या आएगा, तो 18 माइनस एक्स गुना 18 प्लस एक्स, तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। यहाँ देखिए जब 18 माइनस एक्स जो है इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, तो 18 माइनस एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा 18 प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 24 गुने 18 प्लस एक्स। यहाँ देखिए इस 18 माइनस एक्स से जो है इसमें भाग दिए तो ये और ये कट गया, क्या बच गया 18 प्लस एक्स, और जो बच गया वो ऊपर के साथ क्या होगा गुना होगा 24 के साथ, इसी तरह से जो है यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, और इस बार जो है 18 प्लस एक्स से जो है 18 प्लस एक्स कट जाएगा, मतलब जब इससे जो है इसमें भाग देंगे तो ये 18 प्लस एक्स और ये 18 प्लस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा तो 18 माइनस एक्स बचेगा, और 18 माइनस एक्स जो है किससे गुना होगा, तो 24 से गुना होगा, तो क्या होगा 24 गुने 18 माइनस एक्स बराबर क्या है, तो 1 है। यहाँ देखिए इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, अगर इसको 1/1 कर लेते हैं तब, तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो 18 माइनस एक्स गुने 18 प्लस एक्स, क्योंकि एक है इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक जब इसमें गुना होगा तो क्या होगा वही संख्या होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा 24 गुने 18 प्लस 24 एक्स माइनस 24 गुने 18 माइनस माइनस प्लस 24 एक्स बराबर क्या होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब क्या होगा यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 24 गुने 18 प्लस में है और इसी में जो है 24 गुने 18 माइनस में है, तो ये जो है क्या होगा कट जाएगा, और इसके साथ साथ देखिए 24 एक्स प्लस 24 एक्स क्या होगा 48 एक्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 48 एक्स बराबर 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस सब को जो इधर लाते हैं तो क्या होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स, ये प्लस में इधर आया तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस 324 बराबर 0। यहाँ देखिए ये समीकरण जो है किसके जैसा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जैसा है, तो इसको लिख सकते हैं चूंकि यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है इसीलिए यहाँ देखिए ए बराबर क्या होगा, तो 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, बी बराबर क्या होगा तो 48, सी बराबर क्या होगा तो माइनस 324। अब चलिए इसके बाद जो है इस समीकरण में चेक कर लेते हैं कि इस समीकरण के मूल का अस्तित्व है कि नहीं, तो यहाँ देखिए अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए b का मान कितना है, तो 48, तो 48 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है, तो 1 गुने सी का मान कितना है, तो माइनस 324। यहाँ देखिए 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2304 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 4 दुनी 8 एक 9 और 4 तिया 12। अब यहाँ देखिए 6 4 10, फिर यहाँ पर क्या होगा 9 1 10 और 3 2 5 1 6 और 2 1 3 3600। तो बी एस स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया, तो 3600 आ गया, और ये 3600 जो है किससे बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व है। अब चलिए इसके बाद जो है द्विघाती सूत्र से जो है इस समीकरण का मूल निकालते हैं, तो यहाँ देखिए अब द्विघाती सूत्र से एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। यहाँ देखिए एक्स बराबर क्या होगा, तो बी के मान कितना दिया गया है 48, तो माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकाला है, तो 3600 बट्टा 2a,
तो एक का मान कितना है, तो एक, तो यहाँ देखिए 2 × 1। अब यहाँ देखिए एक्स बराबर क्या होगा, तो -48 प्लस माइनस 3600 का वर्गमूल कितना होगा, तो 60/2। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर -48 प्लस 60/2 या एक्स बराबर -48 माइनस 60/2। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है x बराबर क्या होगा, तो 12/2, क्योंकि 60 में से 48 किया कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। या यहाँ देखिए 48 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस में दोनों है तो जुट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए 8 और 6 × 4 = 10, मतलब 108, -108/2। यहाँ देखिए ये कितना आएगा x बराबर, 6 आएगा, 2 × 6 = 12, और ये कितना आएगा x बराबर, तो -54। अब देखिए धारा का चाल जो है माइनस में आया है, और चाल जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये मान क्या होगा, असंभव होगा, असंभव। तो यहाँ पर जो है x का मान क्या आ गया, तो 6 आ गया, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो धारा का चाल जो है कितना आ गया, तो 6 किलोमीटर पर आवर। इसका चाल किधर है, तो इस दिशा में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।